हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम आए हैं अपने गांव की गौशाला में एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग अ गौशाला, सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। कितनी गायें हैं यहाँ पे? कितनी गायें होंगी भाई अपनी यहाँ? 350। क्या नाम है तेरा? इंजेक्शन लगा रहे हैं? क्या हुआ है इसको? अजय कल पैदा हुआ है 10 बजे। बेचारा इतना प्यारा सा है। हाय स्वीटी, वेलकम टू द वर्ल्ड। ये मम्मी है इसकी, घूर रही है मेरे को। देख रही है बड़े ध्यान से कौन है ये। हाँ गा आ जाएंगे भाभी, कोई भी हुआ तो गुड़ खिलाओगे। हाँ ले आऊंगी मैं, मुझे पता नहीं था वरना मैं ले आऊंगी। आराम से दूसरे वालों का यहाँ तो कंपटीशन है, पीछे वालों का नंबर नहीं पड़ता। पीछे वाले का तो बहुत कम लगता है, क्रोध के लिए बेचारी। अब वो आई है, उसको मिला नहीं। हाँ, मिलता रहता है ना, चारों वो आ गया, वो बैल भी आ गया। बड़ा है। कितना बड़ा है ये, धक्का मारते है आ गया। ये बैल है, बुग्गी बैल है। ये तो हेल्दी है। कंपैरेटिवली साइज इसका कितना बड़ा है? बहुत हेल्दी है ये, नॉर्मली बैल नॉर्मल नहीं होते इतने, काफी हेल्दी है। जी भाई सारी तुम वो ले आओ, लावारिस गौशाला है जो रोड पर ही आना है, जिसका कोई मालिक नहीं है, रोड पे चोट लग गई या और दिक्कत आ गई वो ला मैं गाड़ी उठा के। अच्छा। वो यहाँ अपने ठीक हो जाए इसमें, फिर यही रखो। यही रखते हैं। इनका इलाज कौन करते हैं? डॉक्टर लोग। अच्छा। वो डॉक्टर और दिल्ली बाईपास। हाँ वो दिल्ली बाईपास पे है ना मेन ब्रांच, वहीं से आ मैं डॉक्टर। अच्छा। और ये इतनी सारी गाय हैं, इनकी सबकी सेवा करने के लिए खर्चा भी लगता होगा, वो कहाँ से मिलता है आपको? चंदा आता रहता जी। अच्छा, डोनेशन गाँव वाले हैं। दस लीटर हो जाए
पर चाय बन जाए पी ले अपने बस ना गाय थोड़ा देती है ना हाजी ना मुझे दूध वैसे ही नहीं पसंद चारा रखा हुआ है इन्होंने गाय को खिलाने के लिए सूखा चारा तूड़ी इसको बोलते हैं हेलो उनको लग गया कि नहीं ये सूखा चारा है ये कुछ अच्छा देंगे जंक फूड की शौकीन है ये पीछे पीछे से आ रही है सीन से हटा दिया दूसरे को उधर भी बोलना शुरू हो गई यहाँ पे चारा उगाते हैं इन गायों को देने के लिए ये जो है ना ये मेरे को करेक्टली पता नहीं है कितने एकड़ है ये तो है कंप्लीट शायद वो उधर वाली भी है काफी बड़ी जगह है ये वाली जो है क्या खाती है मेनली हरा चारा उगाना पड़ता है जो सूखी तूड़ी जो है ना हाँ। वो तो जैसे सब लोग यहाँ पे पूरा एरिया है यहाँ पे गेहूँ उगाए जाते हैं तो सूखी तूड़ी तो गेहूँ के बाद लोग दान कर देते हैं अच्छा। हरे चारे की जरूरत होती है हरा चारा फिर ये उगा लेते हैं तो वो मिक्स करके डाला जाता है तो ये भैया कहते हैं कि हम आपसे एक पैसा ऐसे नहीं लेंगे रिसीव कटेगी प्रॉपर कुर्सी लाऊंगा सो गाइस आई होप यू एंजॉयड दैट वीडियो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें और रूरल इंडिया की खूबसूरती को देख सकें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे हैप्पी स्टे ग्रीन